आप सिंदूर का नशा में है। हिमांशु को गोली मार दूंगी। हाँ शौक जा। हाँ शौक है मुझे पर देशभक्ति का, हर उस सर को काटने का जो मेरी देश की गरिमा के खिलाफ उठे। जब जब तुम जैसे देशद्रोही पैदा होंगे तब तब इस देश की धरती की कोख से कोई ना कोई दुर्गा पैदा होगी तुम सब शांत करने के लिए। ना संध्या, हाँ अच्छा अब मुझे परमाणु बॉम्ब के रिमोट को जल्दी से उठा लेना चाहिए। संध्या, क्या हुआ संतोष? क्या हुआ? सुनो जी, मार सूरज ना ठीक को नहीं, जरूर कोई मुसीबत में है। चलो मारे को मारे चोरी के पास लेकर चलो। चलो संतोष, तुम्हें जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। अरे हर समय सूरज के बारे में सोचती रहती है, वही कई बात थारे मन में रह गई होगी। देख तो चिंता को नहीं कर, हमारा सूरज जठे भी होगा, ठीक होगा। ठाकुर जी है ना हमारे साथ। हाँ चल सो जा। ठाकुर जी कहे आपके जीव में ना सरस्वती मां बसे। सो जा सो जा सो जा। पर सुनो जी, माँ की सोच कतई गलत ना हो सके। आप तो जाने ही हो ना जी, जब मारे को गोली लगी थी और मेरी सांस टूट रही थी, मारी छोरी की पुकार मारी जान में जान डालती है। मारा और मारी छोरी का ऐसा रिश्ता है जी कि अगर उसकी बाबू ने तकलीफ होवे तो मारी छोरी ने पता चल सके, तो फिर मारे छोरो अगर परेशान है तो उसकी बाबू को क्या पता ना चलेगा। जरूर मारे सूरज कुछ परेशानी में है जी। सूरज मुझे पकड़ाए मत। आप जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। आपके पास आपने बात करना। नहीं, 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 मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी सूरज जी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। सूरज जी आपको कुछ नहीं होगा, हाँ आप घबराइए मत। नहीं आपने नहीं सूरज जी, नहीं मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी सूरज जी, नहीं नहीं। बहुत कुछ किया, इतना गुस्सा, इतनी कुर्बानियां दी। आप नहीं, सूरज जी आप मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। सूरज जी आपने मुझे अपने साबिसा बनाया, आपकी वजह से मिशन फिर से जिंदा हुआ है, आप नहीं जाएंगे सूरज जी। सूरज जी कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सूरज जी आप मेरी ताकत है, आप मेरी जिंदगी सूरज जी, आपके बिना मैं अधूरी सूरज जी, मैं ये मिशन नहीं कर पाऊंगी सूरज जी, मैं हार जाऊंगी सूरज जी, मैं आपके बिना किस नहीं कर पाऊंगी। नहीं सूरज जी मैं आपकी ये बात नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी सूरज जी। अब मैं कुछ करती हूँ सूरज जी, अब ठीक हो जाएंगे, अब ठीक हो जाएंगे सूरज जी। क्या हुआ? नहीं लग रहा बाबू, भैया को फोन नहीं लग रहा बाबू। अरे अच्छा खासा लाली माँ ने जेठ जी को ठीक किया था, जेठानी जी को लाने के चक्कर में जेठ जी पता नहीं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। अरे को बड़ा डर लग रहा है जी, पता नहीं क्या होने वाला है। ना ना कुछ ना होगा हमारे सूरज ने। अरे 6 महीने की पीड़ा झेल करके ना हमारा छोरा अब हार ठीक हुई है। कुछ ना होने दूंगी मैं उसे, कुछ ना होने दूंगी, चिंता मना करो। भले इस माँ को आज ठाकुर जी से क्यों ना लड़ना पड़े, कुछ ना होगा हमारे सूरज ने, विश्वास है हमारे को। हमारे सूरज ने सही सलामत हमारे घर पहुंचाते, एक मां के कालजे की आरज़ न टुकरा सको। कुछ नहीं होगा सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी, सूरज जी। आप अपने समय को धोखा नहीं दे सकते सूरज जी, नहीं दे सकते आप लोग। ऐसा मत कीजिए सोराज जी, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, आप तो मुझे लेने आए थे ना, आप तो मुझे लेने आए थे ना, साथ घर जाने वाले थे ना। सोराज जी आप ऐसा अकेले कैसे जा सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, आप कैसे जा सकते हैं, आंखें खोलिए सूरज जी, आप कितना मुझसे मत कीजिए ऐसा सूरज जी, तुम उठिए, मुझे पता आप उठेंगे। इशारा न मिल जाता कि आपने हमारी मन्नत मान ली है, तब तक चेमा ऐसे ही खड़ी आपकी प्रार्थना करती रहेगी। अगर आप जिद्दी हो तो मैं भी तो देखूं कि इस माँ में कितनी हिम्मत है। आपने हमारे सूरज को घर वापस भेजना ही होगा। एक माह से उसका छोरा ना छीन सको आप, एक माह का कालजा ना तोड़ सको आप। मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।